हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेसर एजुकेशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक सिंगल मेथड से कैसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, उसकी यूनिट डिजिट पे कोई भी अंक आने वाला हो, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं इस मेथड से। ये यूनिक मेथड है और ये मेथड अभी तक किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको एक यूनिक मेथड मिल सके जहां पे आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर आपको यहां पे 41 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करो, इसके नियरेस्ट ऐसा अंक ढूंढ लो जिसमें 0 हो। तो आपने कहा ये आ गया 40, तो 41 लिखने के लिए क्या करोगे, 40 प्लस 1 आपका 41 हो गया। अब इस 40 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 है तो स्क्वायर में करेंगे तो 2 0 लग गया, क्लियर। अब इन दोनों अंकों को ऐड कर दो, इन दोनों अंकों को ऐड कर दो, लाइक मतलब 41 और 40 को ऐड कर दो, ये कितना आ गया आपका, आ गया 81। अब जो आपने यहाँ लिखा इस वाले अंक से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 81। अब इसको ऐड कर दो विद साइन, तो आपने ये आ गया 1681 आपका आंसर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लिख ले रहे हैं, सपोज दैट आपसे कहा जा रहा है 71 का स्क्वायर करना है, तो आपने इसको लिखा 70 प्लस 1, 70 का स्क्वायर किया तो आ गया 77 49 00, फिर आपने 71 और 70 को ऐड कर दिया तो आपका वैल्यू आ गया 141। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया विद साइन प्लस हो गया तो आ गया 141, आपने इसको ऐड कर दिया, 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 5041, क्लियर है। जैसे मान लो कल को आपसे कहा जाए 89 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, इसके नियरेस्ट नंबर ऐसा लिखोगे जहाँ पे आपका 0 हो, तो आपका आ गया 90 90 माइनस 1 करेंगे 89 हो गया, 90 का स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू आ गया 9 का स्क्वायर 81, 1 0 की जगह 2 0 हो गया स्क्वायर में। अब यहाँ 89 और 90 को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वह आ जाएगी 179 179, यहाँ पे माइनस है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वैल्यू आएगी माइनस की, ये माइनस की वैल्यू आएगी 179, यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 से 9 गया बच्चा 1 और 9 से 7 गया तो कितना बचा 2। अब यहाँ पे 0 हो गया, 0 मतलब 10 से 1 गया, कितना बचा 9, यहाँ 7 हो गया तो आ गया आंसर 7921। मान लो आपसे कहा जा रहा है 129 का स्क्वायर करना है, तो आपने यहाँ पे तुरंत लिख लिया 130 130, नियरेस्ट नंबर हो गया 129 का, माइनस 1 करेंगे 129 आ जाएगा, यहाँ पे 130 का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब 1 0 था तो स्क्वायर में 2 0 लगा दिया गया, 129 और 130 को ऐड कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 259। यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका मान आएगा माइनस में, और माइनस में वैल्यू आया 259। आपने यहाँ से माइनस किया तो 9 गया कितने से, 10 से तो कितना बचा 1, यहाँ पे 9 9 से 5 गया कितना बचा 4, यहाँ पे 8 8 से 2 गया कितना बचा 6, यहाँ 6, तो आपका आंसर आएगा 1641। जैसे मान लो कल को आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वैल्यू निकाल दो 62 की। अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया जा रहा है 62। अब आपने कहा यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 60 प्लस का, तो 60 का स्क्वायर लिख दिया कितना आया 36, और 1 0 था 2 0 लगा दिया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो आपका 3600 हो गया। अब आपने क्या किया, इस 62 और 60 को ऐड कर दिया तो आपका वैल्यू आ गया 122। मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस का है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 244। ऐड कर दो आपका ये 4 आया, ये 4 आया, ये 8 हो गया तो आपका आंसर है 3844। जैसे आपसे अगर कहा जाए 78 का स्क्वायर करना है, तो 78 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 80 और ये माइनस का 2 हो गया, आपने 80 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 6400 हो गया। अब यहाँ पे 78 और 80 को ऐड कर दिया तो आपका वैल्यू है 8 और ये हो गया 158 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, चूँकि माइनस है तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी,
टू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 316। 316 माइनस में आप इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ 10 से 6 गया कितना बचा 4, 9 से गया कितना बचा 8, यहाँ पे 3 से 3 गया 0, यहाँ पे 6 तो आपका आंसर आया 60, 84। तो आपसे कहा जाए कि 113 का स्क्वायर कर दो, 113 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची 110 प्लस 3, 113 हो गया। अब 11 का स्क्वायर हो गया 121, 10 था तो स्क्वायर में 2 0 लग गए। अब यहाँ पे 113 और 110 को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 22, 3। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस का है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, कितना आया तो आपने कहा 3 3 9 हो गया यहाँ पे, और 22 का 3 गुना 66 हो गया तो 66, 9। अब इसको ऐड कर देते हैं प्लस है तो ये 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, ये 12, 12, 7, 6, 9 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कल को आपसे 67 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 70 माइनस का 3, देन यहाँ पे 70 का स्क्वायर करोगे आएगा 49, 00, 67 और 70 को आपको ऐड कर देना तो आपकी वैल्यू आएगी 137। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो चूंकि माइनस है तो आएगा माइनस में, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 21 हो गया, आपका बचा 2 और 13 का 3 गुना 39 और 2 हो गया 41, तो आपका वैल्यू है 411। माइनस में तो माइनस करोगे, यहाँ 10 से गया कितना बचा 9, यहाँ पे 9 से गया कितना बचा 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 से 4 गया कितना बचा 4, यहाँ पे कितना 4, तो आपका आंसर आएगा 44, 89। क्लियर, 4489। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपसे ये कहा जाता कि आप 34 का स्क्वायर कर दो, तो 34 मतलब हो गया 30 प्लस 4। अब 30 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 900 हो गया ये। अब यहाँ पे 34 और 30 को ऐड कर देते हैं ये 64 हो गया, 64 का 4 गुना करते हैं हम, 4 का 4 गुना हो गया 16, 1 कैरी हो गया 6 चौक 24, 1 25 हो गया, प्लस है तो ये ऐड कर देंगे, ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 11, तो आपका आंसर है 1156। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे वर्कआउट कर लेते हैं। अगर मान लो यूनिट डिजिट में 5 आता तो आप इस मेथड से ना लगा के एक दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे उससे लगा लोगे। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन आपका आंसर इजीली दूसरे वाले से आ जाएगा। चलिए खैर फिलहाल एक बार आंसर मैच करा लेते हैं कि क्या ये मेथड वर्कआउट करता है। तो आपका 80 प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पे 80 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, सॉरी 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 64, 8 का स्क्वायर 64, 10 तो आपका होगा 00 लगा दिया। अब यहाँ पे 85 और 80 को ऐड कर दिया तो आपका वैल्यू आ गया 165। 165 का 5 गुना किया, चूंकि प्लस है तो आपका मान प्लस में रहेगा, 165 का 5 गुना जो हमारी वैल्यू आई वो आपकी वैल्यू आ गई सिंपल सा 825। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, आया 5, ये आ गया 2, 8 जोड़ा तो कितना आया 12, 1 यहाँ से आ गया 72, तो आपका वैल्यू आया 7225। जैसे कि हम आपको बता रहे थे जब कभी 5 आएगा यूनिट डिजिट पे तो आपको यूनिट डिजिट पे 5 वाले जितने भी होंगे उनको कैसे वर्कआउट करना उसका भी मेथड हम आपको सिखा दे रहे हैं। जब कभी भी यूनिट डिजिट पे 5 आए तो आपको समझना सवाल बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस 5 का डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख देना, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसके बाद में जितने भी अंक बच रहे हैं उसका उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक मतलब 8 का मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर 9 से कितना है 8 9 72, आप यहाँ लिख दो 72, बस यही आपका आंसर है 7225। एक एग्जांपल और लिख ले रहे हैं, आपने कहा हम लिख दे रहे हैं 65, 65 का स्क्वायर करना है तो 65 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसके अलावा कितना अंक बचा 6, 6 का मल्टीप्लाई अगले नंबर से 7 से तो 7 6 42 आ गया, तो आप यहाँ 42 लिख दो तो आपका आंसर आ गया 42 25। मान लो कल को 115 का स्क्वायर करना होता, 115 का स्क्वायर हम करते सिंपल सा, 5 का स्क्वायर लिख देते 25, 11 का मल्टीप्लाई अगले नंबर से किससे 12 से तो कितना आएगा 132, तो आपका आंसर आ गया 132 25। अभी एक और मेथड होता है इसके स्क्वायर का कैलकुलेशन का, लेकिन वो 2 डिजिट पे अप्लाई होता है। जैसे अगर आप लगाना चाह रहे हैं उस मेथड को तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसी वाले मेथड को ही वर्कआउट करना, क्योंकि ये जो हमने मेथड बताया आपको ये मेथड सारे पे चलेगा
जो अब बताने जा रहे हैं वो ओनली टू डिजिट वाले पे चले। जैसे मान लो कल को आपको 43 का स्क्वायर करना होता तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू लिख लेनी है। इसको क्या लिखोगे, 4 × 3 × 2, यही इनके डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो और इंटू टू कर दो। इस 3 का स्क्वायर लिखो पहले कितना आया, इसको टू डिजिट में लिखना है आपका कितना आया, 09। ओके, फिर इसका स्क्वायर लिख दो कितना आया, 416। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया है, 4×12 = 24, इसको एक डिजिट इधर से एक डिजिट छोड़कर कॉपी कर दो और ऐड कर दो, कितना आया, 9 ये आ गया, 4 ये आ गया, 18 ये आ गया, 1849। ठीक, 1849 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 83 का स्क्वायर करना था तो आप क्या करते, इसको लिखते 8 × 3 × 2। अब इसका टोटल मान पहले निकाल लेते हैं, 8 × 24 × 2 = 48। पहले इसका स्क्वायर करते हैं कितना है, 09। इसका स्क्वायर करते आएगा 64, ऐड कर देते हैं 48, एक अंक इधर छोड़ दे, 48 ऐड कर देते, ये आ गया 9, ये आ गया 8, ये आ गया 4 × 4 = 8, ये आ गया 67, 89। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो आपसे मैंने कहा 75 का स्क्वायर आप बताओगे कितना आएगा, 96 का स्क्वायर आपको बताना कितना आएगा, 123 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आपको बताना है। ए बी सी डी चार क्वेश्चन केवल लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 82 का क्या स्क्वायर आएगा ये भी आपको बताना है। ओके, आई होप आप सेशन को एंजॉय किए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।